श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जीवन ही परमात्मा है, पर कैसे। ये एक तरह की फिलॉसफी है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत हद तक ओशो से इंस्पायर है। सृष्टि के अतिरिक्त कोई सृष्टा कहीं बैठा है ऐसा नहीं। सृष्टि की प्रक्रिया, सृजन की शक्ति, क्रिएटिविटी इट्सेल्फ परमात्मा है। इस पर तो बहुत लंबी बात की जा सकती है। वैसे उसकी ही बात कर रहे हैं इतने दिनों से, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, दो तीन शब्द कहे जा सकते हैं। मनुष्य की सभ्यता कृष्ण की समझ से सहज हो सकेगी, क्षणजीवी हो सकेगी, आनंद समर्पित हो सकेगी, दुखवादी नहीं रहेगी, समयवादी नहीं रहेगी, निषेधवादी नहीं रहेगी, त्यागवादी नहीं रहेगी। अनुग्रह पूर्वक जीवन को वरदान समझा जा सकेगा और जीवन और परमात्मा में भेद नहीं रहेगा। जीवन ही परमात्मा है, ऐसी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जीवन के विरोध में कोई परमात्मा कहीं बैठा है ऐसा नहीं है, जीवन ही परमात्मा है। सृष्टि के अतिरिक्त कोई सृष्टा कहीं बैठा है ऐसा नहीं है। सृष्टि की प्रक्रिया, सृजन की शक्ति, क्रिएटिविटी इट्सेल्फ परमात्मा है। ये पूरी बात मैंने इस बीच में कही है, उनको ख्याल मिलेंगे तो जो मैंने अंतिम बात कही है वह स्पष्ट हो जाएगी। इन दिनों में बहुत सी बातें और बहुत सी वीडियोस मैंने डाले हैं जो आपको रुचिकर भी लगी होगी। रुचिकर लगने से भी समझने में बाधा पड़ती है, अरुचिकर लगने से भी समझने में बाधा पड़ती है। जो रुचिकर लगती है उसे हम बिना समझे पी जाते हैं, और जो अरुचिकर लगती है उसे हम बिना समझे द्वार बंद करके बाहर छोड़ देते हैं। मैंने जो बात कही वे इसलिए नहीं कही कि आप उनको पी जाएं या द्वार पे बाहर छोड़ दें, मैंने सिर्फ इसलिए कही कि आप उनको सहजता और सरलता से समझ पाएं। आप मेरी बातों को अपने दिमाग में मत रखिए, अपने घर में मत रखिए। उन बातों को समझने में जो समझ आपके पास आई है, जो प्रज्ञा, जो विजडम आई हो, उसको बस दूसरों में बांट दीजिए, अगर समझ में आ गई हो तो। फूलों को ही छोड़ जाइए, इत्र कुछ बचा हो आपके हाथ में तो उसे ले जाइए, कहने का मतलब ये है। मेरी बातों को ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो तक ही रहने दीजिए। मेरी बातें वैसे ही बेकार है जैसे सब बातें बेकार होती है, लेकिन इन बातों के संदर्भ में, इन बातों के संघर्ष में, इन बातों के आमने सामने इनकाउंटर में आपके भीतर बहुत कुछ पैदा हुआ है। वो तभी पैदा होता है जब आपने पक्षपात ना लिए हों, वो तभी पैदा हो सकता है जब आपने ऐसा ना कहा हो कि ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि गलत कह रहे हैं, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। तभी आप में समझ, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। अगर आपने समझा हो कि यह तो कृष्ण के पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे महावीर के पक्ष में नहीं बोलते, तो आप दुख ले जाएंगे, समझ नहीं ले जाएंगे। उसका जिम्मा मेरा नहीं होगा, जिम्मा महावीर का भी नहीं होगा, आपका ही होगा। आपने सोचा कि यह तो हमारे जीसस के पक्ष में नहीं बोले, तो आप समझ नहीं ले जाएंगे। या आपने ऐसा समझा कि यह तो हमारे कृष्ण के संबंध में बोल रहे हैं, तो आप ना समझ ही लौट जाएंगे। आपके कृष्ण से या हमारे कृष्ण से किसी का कोई लेना देना नहीं है, न रुचि न रुचि, न पक्ष न विपक्ष। मुझे तो जो दिखाई पड़ता है उससे सीधा मैंने आपकी आंखें के सामने फैला दिया, और मैं खुद ही संजीवी व्यक्ति हूँ, आप भी संजीवी व्यक्ति हैं, इसलिए भरोसे का ना आप है ना हम है। कल क्या कहूँगा इसे आज कोई वादा नहीं बनता, इसे आज का कोई आश्वासन नहीं है। आज जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वैसा मैंने कहा, कल मुझे जैसा दिखाई पड़ेगा मैं वैसा कहूँगा। आज जो आपकी समझ में आया हो, समझ में आया हो, उसका मूल्य नहीं है। जो समझ में आने की समझ बड़ी हो उसका मूल्य है, जो समझ में आया उसकी मूल्य है। थोड़ी ना बहुत दृष्टि फैली होगी, द्वार थोड़े ना बहुत खुले ही होंगे, सूरज को आने के लिए थोड़ी बहुत तो जगह बनी ही होगी। तो जिस तरह झिलरी में से भी सूरज की रोशनी आ जाती है, तो हो सकता है हमारी कुछ ज्ञान की बातें आपके समझ में आ जाएं।
मैं नहीं कहता हूँ कि आपके भीतर जब सूरज आए तो आप उसे क्या नाम दें, कृष्ण कहें कि बुद्ध कहें कि राम कहें, या आपकी मर्जी है, नाम आपके होंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि दरवाज़ा आपके चित्त का खुला हो तो सूरज आ जाएगा, नाम आप पर निर्भर होगा, क्योंकि सूरज अपना कोई नाम नहीं कहता कि मेरा नाम क्या है, वह नाम है, नाम आपने दिया है, नाम हमने दिया है, लेकिन दरवाज़ा सिर्फ उनके ही चित्त का खुलता है जो समझ पूर्वक, समझ में, समझ के साथ जीते हैं, पक्षों और धारणाओं और सिद्धांतों के साथ नहीं। सिद्धांतों और धारणाओं और पक्षों के साथ वे लोग जीते हैं जिनको अपनी समझ का भरोसा नहीं है। तो ये पक्के बंधे बंधाए सीमेंट कंक्रीट के बाजार में बिकते हुए सिद्धांतों को ले आते हैं। समझ तो पानी की तरह तरल है, समझ तो बहाव है, एक फ्लो है, सिद्धांत, सिद्धांत कोई बहाव नहीं है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।